दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टमैन सोलर चार्जिंग कंट्रोलर के बारे में। ये एक ऐसा कंट्रोलर है जिसमें आपकी जो पैनल जो होगा वो कितने एम्पीयर चार्जिंग कर रहा है वो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगी, वहां पर आप आराम से देख सकते हो कि कितने एम्पीयर हमारा पैनल चार्जिंग कर रहा है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। तो आज के इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले मैं आपको अपना एक बार शोरूम दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको आज की इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए पैनल से रिगार्डिंग, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हम बता दें पैनल का क्या रेट है आज के समय में, पैनल कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितना बड़े से बड़ा पैनल लोगे 12 वोल्ट में या फिर 24 वोल्ट में उतना आपका फायदा होगा। जैसे ये 100 वाट का प्लाजा का है तो ये 3400 रुपए का आज के रेट में, और ये 335 वाट का ये बड़ा वाला जो पैनल देख रहे हो आप, ये 335 वाट का ईस्टमैन का, इसका रेट जो है वो 3200 रुपए पर वाट है। ठीक है, जितना छोटा पैनल लेंगे उतना महंगा मिलेगा, जितना बड़ा लेंगे उतना सस्ता मिलेगा। दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर देख सकते हो आप ईस्टमैन का सोलर चार्जिंग कंट्रोलर, तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है, आप अगर इसमें डिस्प्ले से है, अगर आपको कनेक्शन कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कीमत के बारे में, इसकी कितनी कीमत है। तो कीमत की बात करो 1300 रुपए का है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सिस्टम है इसमें। और अगर 12 वोल्ट के पैनल लगाना चाहते हो तो आप इसमें जो है 300 वाट से ज्यादा पैनल लगा सकते हो, 300 वाट आराम से लगा सकते हो। अगर 24 वोल्ट में लगाओगे तो आप इसमें 500 वाट 400 वाट आराम से पैनल लगा सकते हो। ठीक है, अब हम इसका कनेक्शन में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 एम्पियर 12 वोल्ट 24 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पर आप कनेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर पैनल का लोगो बना हुआ है, तो यहाँ पर पैनल का प्लस, पैनल का माइनस, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस और लाइट का। इससे आप इसका यूज मत करना, अगर आप इसका यूज करते हो तो कंट्रोलर आपका 100% फूक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूएसबी पोर्ट है मोबाइल चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में बोल्ट वगैरह सब कुछ दिखाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये इस टाइप से, जैसे कि बैटरी के कितने वोल्ट हैं और चार्जिंग कितने एम्पियर आ रही है, इस टाइप से। ठीक है, अगर हम इसमें एमआरपी की बात करें दोस्तों, कितने एमआरपी है, तो यहाँ पर हम आपको एमआरपी भी दिखा देते हैं। एमआरपी इस पे पड़ी हुई है 2095 रुपए, 2095। अगर हम दोस्तों, जैसे कि हमारे पास छोटा पैनल है 100 वाट का 150 वाट का, तो यहाँ पर एक्साइड का आता है 6 एम्पियर का, ये दोस्तों लगभग 350-400 रुपए का। यहाँ पर 10 एम्पियर का भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों के लीडर के आते हैं मेरे पास, लुमिनस के भी हैं। तो ये 12 मंथ की गारंटी वाले। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी अगर सोलर चार्जिंग कंट्रोलर लो आप, तो जैसे कि लुमिनस कंपनी का लेना, एक्साइड का लेना, ब्रांडेड लेना, ताकि आपको रोज रोज की प्रॉब्लम ना आए, और कंट्रोलर की जो है वो गारंटी भी नहीं होती है, तो कि आप परेशान ना हो। तो ये अच्छा सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है, ये आपको हर कुछ बताएगा और आपकी बैटरी को भी सेफ रखेगा। वीडियो अगर 1% भी चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।